हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे ठोस अवस्था, और चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में पढ़ने ठोसों के सामान्य लक्षण पढ़े थे। ठोसों के सामान्य लक्षणों के बाद में पढ़ने पढ़ा था कि ठोसों के जो आवेग कण हैं उनके मध्य जो बंध पाया जाता है, उस बंध के आधार पर ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। अब इसे आगे देखते हैं कि ठोसों के अंदर जो आवेग कण हैं उनकी जो व्यवस्था है, ठोसों के कणों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में देखिए क्या है। पहला बिंदु देखेंगे कि क्रिस्टलीय जो है उसकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित का मतलब जो आवेग कण है वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार जैसे एकांतर क्रम में एक के बाद एक, एक के बाद एक पंक्ति में। तो क्रिस्टलियों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय जो है उनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, यानी उनमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती, इस प्रकार से किसी भी तरह व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये ज्यामिति व्यवस्था है क्रिस्टलीय की, और ये ज्यामिति व्यवस्था है अक्रिस्टलीय की। अगला बिंदु देखिए, क्रिस्टलीय जो है उनके गलनांक उच्च और निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में देखो आवेग कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, तो कण निश्चित व्यवस्था में है और उनके मध्य दूरी भी क्या है, कम है। तो इन कणों के मध्य जो बंध है इसको तोड़ने के लिए अपने को अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो ताप अधिक होगा तो गलनांक का मान क्या हो गया, उच्च हो गया। तो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था के कारण क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं और निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब प्रत्येक जो ठोस है उसका गलनांक का मान जो है वो निश्चित होता है कि ये इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही गलेगा। जबकि अक्रिस्टलीय में देखिए अक्रिस्टलीय के गलनांक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अक्रिस्टलीय में आवेग कणों की कोई व्यवस्था नहीं होती, टेढ़े मेढ़े व्यवस्थित होते हैं, तो इनके बंध को आसानी से कम तापमान के ऊपर तोड़ा जा सकता है। इसलिए अक्रिस्टलीय के जो हैं उनके गलनांक निम्न होते हैं और अनिश्चित होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार गलनांक का मान बढ़ता घटता रहता है। अगला देखिए अक्रिस्टलीय में वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलियों को वास्तविक ठोस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ आवेग कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होने के कारण विशाल संरचना के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहा गया है। जबकि अक्रिस्टलियों को आभासी ठोस कहा जाता है। ये सिर्फ अपने को आभास करवाते हैं कि ये ठोस है, वास्तव में ये ठोस नहीं होते क्योंकि इनकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती। इनमें गलनांक का मान जो है वो क्या होता है, निम्न होता है। अगला देखिए, अक्रिस्टलियों का विगलन नियमित होता है, सॉरी क्रिस्टलियों का विदलन जो है वो नियमित होता है। यानी क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ हैं उनको जब काटा जाए, ये अपने पास कोई ठोस है इसको जब ऐसे काटेंगे तो इसकी सतह जो है वो चिकनी और सपाट होगी। विदलन का मतलब है ठोसों को काटना। तो क्रिस्टलीय ठोसों को जब तेज धार वाले हथियार या औजार से काटा जाता है तो उनकी सतह जो है वो नियमित और सपाट चिकनी होती है, इसलिए इसको कहते हैं इनका विदलन नियमित है। जबकि अक्रिस्टलियों का विदलन जो है वो अनियमित होता है। अक्रिस्टलियों का विदलन अनियमित होता है, यानी अक्रिस्टलियों को जब बीच में से काटा जाता है तो उनकी सतह खुरदरी और सपाट नहीं होती है। अगला बिंदु है, क्रिस्टलियों में विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय विषम दैशिकता दर्शाते हैं। विषम दैशिकता का मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय पदार्थों के जो भौतिक गुण होते हैं जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक, इनके मान जो है वो भिन्न भिन्न दशाओं के आधार पर बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि इनमें कणों की निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। इस निश्चित व्यवस्था के कारण क्रिस्टलीय पदार्थों के गलनांक, क्वथनांक और अपवर्तनांक का मान जो है भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न हो जाता है। इस गुण को कहते हैं विषम दैशिकता। जबकि अक्रिस्टलीय जो है उनमें कणों की अनियमित व्यवस्था होने के कारण इनकी जो भौतिक गुण है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए मात्रक कोष्ठिका, अब अपन पढ़ेंगे। देखो मात्रक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका क्या है? देखो मैंने आपको बताया कि ठोस जो है उनकी निश्चित ज्यामिति होती है। ठोसों की क्या होती है? निश्चित ज्यामिति होती है, और इस निश्चित ज्यामिति के कारण वे निर्माण करते हैं क्रिस्टल जालक का। यानी कि ठोसों के आवेग कण जो हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होकर क्या बनाते हैं भाई, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। जैसे देखो इस प्रकार से ये जो है
इस प्रकार से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं जिसमें क्या अव्यय कण व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि ठोसों के जो अव्यय कण व्यवस्था में होते हैं उसे ज्यामिति कहते हैं, और ये ज्यामिति जो है वो व्यवस्थित होकर निर्माण करती है क्रिस्टल जालक का। तो क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा जो भाग है वो कहलाती है मात्र कोशिका, या ये अपन कह दें कि क्रिस्टल जालक की वह इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे मात्र कोष्ठिका कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार क्या होती है भाई, पुनरावृत्ति होती है, और उससे क्या बन जाता है क्रिस्टल जालक। तो उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मात्र कोष्ठिका। तो मात्र कोष्ठिका है वो कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि घन के जैसी होती है। अब मात्र कोष्ठिका जो है उसमें अपन जो है मात्र कोष्ठिका जो है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि मात्र कोष्ठिका क्या है, या उसका मात्र कोष्ठिका का जो निर्धारण है वो किस आधार पर किया गया है। तो ये अपने को पता चल गया कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मात्र कोष्ठिका, और मात्र कोष्ठिका का ही दूसरा नाम होता है एक कोष्ठिका। ठीक है, तो मात्र कोष्ठिका जो है वो घन के आकार की होती है। अब इस मात्र कोष्ठिका का निर्धारण जो है वो निर्धारण करने के लिए अपन भुजा और कोण का प्रयोग करते हैं। ये मात्र कोष्ठिका के तीन अक्ष हो गए, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया, और ये जेड एक्स हो गया। अब देखिए वाई एक्स वाली भुजा को मान लेते हैं ए, और एक्स एक्स वाली को बी, और जेड एक्स वाली को सी मान लेते हैं। तो इन तीनों भुजाओं के मध्य कोण बनता है, देखो ये वाला ए और बी के मध्य बनने वाला हो गया अल्फा, बी और सी के मध्य बीटा, ए और सी के मध्य बन गया गामा। तो अपने पास तीन भुजाएं हो गई ए बी और सी, और कोण भी तीन हो गए अल्फा बीटा और गामा। तो मात्र कोष्ठिका जो है उसका निर्धारण करने के लिए अपने पास छह बिंदु हैं, तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। तो इन छह बिंदुओं को कहते हैं मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर, मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर। यानी अपने से पूछा जाए कि मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर क्या हैं, तो अपन कहेंगे कि मात्र कोष्ठिका का निर्धारण करने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है वे बिंदु क्या कहलाते हैं, मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर। मात्र कोष्ठिका का निर्धारण करने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर। यहाँ पर अपने पास तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं, तो कुल छह बिंदु हो गए। इन छह को क्या कहेंगे, मात्र कोष्ठिका के पैरामीटर के नाम से जाना जाएगा। ये कहलाएंगे मात्र कोष्ठिका के।